जिनका सोच करते हैं कि हमारे घरों में कितने घरों में रामचरितमानस का पाठ होता है, हमारे कितने घरों में गीता का पाठ होता है, हमारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्रातःकाल जगकर रामचरितमानस की उस चौपाई का अध्ययन करते हैं, वो बोलते हैं कि माता पिता मात पिता गुरु नाम है माता प्रातः काल उठके रघुनाथ, प्रातः काल उठके राजा रघुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम बालक राम माता पिता के चरण छूकर के गुरु का आशीर्वाद लेकर के करते हैं। क्या गायत्री मंत्र की पंक्तियां हमारे घरों में बोली जा रही हैं? इस पर अगर हम विचार करते हैं, निश्चित रूप में आपने जो अंग्रेजी शिक्षा को एक ललक अपने मन में स्वीकार की है, आप उस पर विचार करें। अंग्रेजी शिक्षा का दुष्परिणाम ही रहा है कि भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहीं का एक कहीं का रोड़ा जोड़ करके एक देश के सामने संविधान प्रस्तुत किया और उसी संविधान की देन है आज अभी जो बच्चों ने सीए का प्रस्तुत किया। भारत के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन सीए के नाम पर ऐसा एक भ्रम फैला करके संपूर्ण देश में अरबों की संपत्ति को नुकसान कर दिया गया और सैकड़ों लोग मौत के काल के गाल में समा गए। अंग्रेजी शिक्षा का परिणाम यह रहा कि जो संविधान हमारा रहा उस संविधान ने भारत की जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उस रामचरितमानस में दिए गए संविधान पर शोध नहीं किया। अन्यथा अगर आपको संविधान चाहते थे सामंतवाद, महारानी कैकेयी से बड़ी सामंतवाद को आप चाहते थे साम्यवाद, राजा जनक जैसा साम्यवादी विश्व में कहीं कोई नहीं हुआ। आप चाहते थे तानाशाही, पलंगाधिपत रावण के जैसा तानाशाह जिसने अपने देश को सोने की लंका बना दिया था, ऐसा तानाशाह विश्व में कोई हिटलर नाजी नहीं हुआ। आप चाहते थे लोकतंत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का लोकतंत्र पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। आज जो भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द फादर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भारत में इस महान ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर भारत के संविधान का रचना की गई होती, आज हिंदी को किसी का आश्रय नहीं बनना पड़ता, किसी की दासी नहीं बनना पड़ता। आज हम अपनी मातृभाषा के लिए किसी से आग्रह नहीं करते, स्वघोषित रूप में संपूर्ण देश की मातृभाषा हिंदी होती। जो लोग अंग्रेजी के दीवाने हैं जरा संस्कृत से तुलना करके देखें, संस्कृत का एक प्रिय अपने को 45 रूपों में प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन अंग्रेजी की क्रिया केवल 3 रूप में रहकर के सिमट जाती है। बोलो खोलिए जरा, सूरज की अंग्रेजी क्या होती है? केवल सन, सन के बाद कोई दूसरा शब्द नहीं खोजे मिलता, लेकिन हम जब अपने खोजते हैं तो दिनकर दिवाकर भास्कर रवि और कितने असंख्य शब्द आपको सूरज के मिल जाते हैं। फिर भी अगर हमारे मन में इन भावना का भाव पैदा आता है, हमको अपनी स्वतंत्रता पर विचार करना चाहिए, क्या हम स्वतंत्र हैं या मानसिक गुलाम। इसी स्वतंत्रता और स्वच्छता का परिणाम रहा है भारत के न्यायाधीश जब न्यायालय पर बैठकर निर्णय करते हैं तो भारत के धर्म ग्रंथों को ऐसे जगह उदाहरण देते हैं जो भारत की मूलभूत भावनाओं को कुचल देता है। अभी लिव इन रिलेशन का एक निर्णय किया भारत के जज ने, जानते हैं उसने क्या उदाहरण दिया? लिव इन रिलेशन भारत को स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि राधा के साथ बिना विवाह किए कृष्ण भी रहा करते थे। कितना घिनौनी भावना से उन्होंने उदाहरण दिया कि कहां राधा और कृष्ण का उदात्त प्रेम और कहां आज के पिछड़ते पीढ़ी के लिव इन रिलेशन को तुलना करना, ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। क्या हम विचार कर सकते हैं कि हम अपने देश के बच्चों को, अपने भविष्य को, अपने भविष्य के लाल को ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं, ऐसा डॉक्टर बनाना चाहते हैं जो भ्रूण हत्या के नाम पर लगातार क्लिनिकों के नाम पर भ्रूण हत्याएं की जाती हैं? क्या हम ऐसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं
जिनके बनते पुल 6 माह के अंदर लोग जाता है गोट, कृपया धीरे चले, पुल कमजोर है। क्या हम ऐसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं कि जिनकी बनाई गई सड़कें 6 माह के अंदर टूट जाती है? इस पर विचार करेंगे तो आवश्यकता है कि हम संस्कार युक्त भारतीय संस्कृति पर आधारित सरस्वती शिशु मंदिरों का संरक्षण करें और उन्हें अपने भैया बहनों अपने पालियों को भेजने का प्रयास करें। आपको लगता होगा कि अंग्रेजी पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे बड़े अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन मित्रों सोचो इस पछड़वा के बाजार में बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। क्या उन्होंने अंग्रेजी सीखा था? क्या उनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई कमी है? लेकिन नहीं, हम अपनी इस मानसिकता के आधार पर जब सुख छोड़ देना चाहते हैं तो छोड़ तो दिया आपने। सारे बैठे हुए व्यापारी अपने विचार करें कि उनकी दुकानों में धोतियां कितनी बिकती है, शायद खत्म होती जा रही है। ऐसे अगर हम खत्म होते रहे, ऐसे हम छोड़ते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि भारत को लोग भारत कहना भूल जाएंगे। और शुरुआत हो चुकी है, हम सब बड़े गर्व से बोलते हैं इंडिया, इंडियन टीम। जब मैं इस बात को रखता हूं तो लोग कहते हैं अरे आचार्य जी कौन बड़ी बात था, जैसे आर्यावर्त था जम्मू द्वीप का, वैसे काम इंडिया है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। भारत ही विश्व में एक ऐसा देश है जिसको हम अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर माता भूमि पुत्र वह पृथ्वीव्याह कहते हैं। इस धरती को मां मानते हैं और इस धरती को मां मानने के नाते ही प्रातः काल जब उठते हैं तो समुद्र बसने देवी पर्वत स्थल मंडले विश्व पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे का भाव लेकर के क्षमा प्रार्थना के बाद अपना जीवन यापन करते हैं। भारत माता की जय, कहीं अमेरिका माता की जय नहीं बोला जाता है, कहीं ब्रिटेन माता की जय नहीं बोला जाता है, केवल बोला जाता है भारत माता की जय। और ये है कि लोग भारत माता की जय बोलना भूल जाएं, इसलिए इसका नाम इंडिया कर दिया गया। और आप कल्पना करो 50 साल बाद क्या भारत माता की जय बोलने वाले लोग रह जाएंगे? जब हर व्यक्ति इंडिया बोलेगा तो इंडिया माता की जय कौन बोलेगा? इस पर विचार करो आप। इसलिए आपसे आग्रह है, भारत के जीवन मूल्य, भारत की जो नैतिक आधार की सभ्यता है, संस्कार है, उन संस्कारों को खोजिए। आज अपने घरों में अपने बच्चों से, अपने बेटों से, बेटियों से बात करिए, क्या वो कुछ रिश्तों के नाम जानते हैं? हर महिला आंटी है, हर पुरुष अंकल है, मम्मी डैडी के अलावा कौन है? फादर तो ग्रैंड फादर है, मदर तो ग्रैंड मदर है, तो चाहे नाना हो, चाहे नानी हो, चाहे बाबा हो, चाहे दादी हो। कितने बेटे हमारे बेटियां जानती हैं बुआ को, कितने जानते हैं फूफा को, कितने जानते हैं ताऊ को, कितने जानते हैं ताई को। हम भूल गए हैं अपना भोजन। इन सारी बातों को आप याद करें और मन में विचार करें कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। उस दिशा की ओर जाने के बजाय आप एक सही दिशा में चलें और भारत माता को, इन सरस्वती शिशु मंदिरों को संरक्षण देकर के भारत के उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें। और ये नृत्य प्रति वंदना बच्चे बोलते हैं, जग सिरमौर बनाए भारत, भारत को जग का सिरमौर बनाए, भारत अपने परम वैभव को प्राप्त करे, इन्हीं भावनाओं के साथ इन विद्यालयों का संरक्षण करें, इन विद्यालयों का सहयोग करें। आज के अवसर पर इतनी ही बात, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।